हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बात अगर रोहतक की करें, यहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में है, जिसके चलते रोहतक शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिविल लाइन थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। फिलहाल फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और पार्कों पर भी विशेष नजर है। इसके साथ ही पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। अगर सख्ती की आवश्यकता पड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। ये अभियान जो है पार्कों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, कोरोना महामारी के चलते एहतियात बरतने के तौर पे हमने जो है आज फ्लैग मार्च भी निकाला है और मानसरोवर पार्क में और हुडा सिटी पार्क में विशेषकर हमने ये देखा कि भी इसमें ज्यादा जो है आमजन इकट्ठा ना हो ताकि इसमें कोरोना महामारी से बचा जा सके।